शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी है। 2010 से मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कोई नई दुकान नहीं खोली गई, उल्टी बंद ही की गई। आपके ध्यान में आया होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद की गई थी। इस वर्ष की भी मदरा नीति, जो आबकारी नीति आई है, मदरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। कोई आहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो सॉप बार थे, सॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे सॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, सॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक एक दो का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। वाहन चलाने वाले, जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।